डी नेशनल पर। टीवी के साथ बदलते भारत की शान। दूरदर्शन किसान मौसम खबर में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अदिति शर्मा। आज के मौसम खबर में बताएंगे आपको देश में आगे आने वाले एक से दो दिन के दौरान बरसात का हाल कैसा रहेगा और साथ ही साथ तापमान की स्थिति का भी जायजा आपको देंगे। और लेकिन शुरुआत यहां पर करेंगे हम मौसम से जुड़ी बड़ी खबरों के साथ। बता दें आपको कि अगर हम बात करते हैं जम्मू कश्मीर की, तो यहां पर कहीं कहीं भारी बर्फबारी की संभावनाएं बनी हुई है। इसके साथ ही आपको जानकारी दें कि उत्तराखंड में छिटपुट हिस्सों में जोरदार बरसात हो सकती है, ये संभावनाएं बनी हुई हैं। साथ ही अगर हम यहां पर बात करते हैं पंजाब की, तो इक्का दुक्का जगह यहां पर भी ओले पड़ने की संभावनाएं बनी हुई हैं। वहीं हम आपको बता दें बिहार का हाल, तो गिने चुने इलाकों में ओले पड़ने के आसार यहां पर भी बने हुए हैं। जी हां, बिहार में ओले पड़ सकते हैं। और साथ ही छत्तीसगढ़ की बात करते हैं, तो बिजली की चमक के साथ यहां पर तेज हवाएं चलने का अनुमान जताया जा रहा है भारत मौसम विज्ञान विभाग द्वारा। इसके साथ बढ़ते हैं आगे, मौसम पूर्वानुमान के बारे में आपको जानकारी देते हैं। किन क्षेत्रों के लिए मौसम विभाग द्वारा चेतावनी जारी की गई है, सावधानियां बरतने के लिए कहा जा रहा है, इसके बारे में आपको बता देते हैं। तो देख सकते हैं आप यहां पर देश के अलग अलग क्षेत्रों में किस तरह की चेतावनी यहां पर जारी की गई है भारत मौसम विज्ञान विभाग द्वारा। देख सकते हैं आप, लाल रंग से अंकित किया जा रहा है सावधान रहने के लिए। हम जम्मू कश्मीर की बात करें, लद्दाख की बात करें, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड की बात करें, यहां पर सावधानी बरतनी है। और पीले रंग से जितने भी क्षेत्र अंकित किए गए हैं, यहां पर नजर बनाए रखने के लिए कहा जा रहा है, क्योंकि यहां पर बादल बरस सकते हैं, कोहरा भी छाया रह सकता है। हर एक रंग की अगर हम बात करते हैं, तो कोई हाल फिलहाल में चेतावनी नहीं है। क्षेत्रवार अगर बात की जाए, तो देख सकते हैं आप जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड की बात करें, तो यहां पर अधिकतर जगहों पर आगे आने वाले दो दिनों के दौरान बादल बरस सकते हैं। जबकि पंजाब, हरियाणा, राजधानी दिल्ली की बात करें, हम उत्तर प्रदेश की बात करें, तो यहां पर कई जगहों पर बादल बरस सकते हैं। तो आप देख रहे हैं कि एक से दो दिन की हम बात करते हैं, तो उत्तर पश्चिम भारत में किस तरह का माहौल रह सकता है बरसात के लिहाज से। इसी के साथ बढ़ते हैं हम आगे और बात करते हैं पूर्वी और पूर्वोत्तर क्षेत्र की। तो देख सकते हैं आप गांगे पश्चिम बंगाल, अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, मणिपुर, नागालैंड, मिजोरम और त्रिपुरा की हम बात करें, तो यहां पर अधिकतर जगहों पर बादल बरस सकते हैं, ये संभावनाएं जताई जा रही हैं मौसम विभाग द्वारा। जबकि बिहार और झारखंड की हम बात करते हैं, तो कहीं कहीं बादल बरसेंगे यहां पर। बढ़ते हैं आगे, रुख करते हैं दक्षिण का। तो देख सकते हैं आप तेलंगाना और तटीय आंध्र प्रदेश में जरूर कहीं कहीं बादल बरस सकते हैं। साथ ही साथ अंडमान निकोबार द्वीप समूह में भी कहीं कहीं बादल बरसने की संभावना बनी हुई है। बाकी के क्षेत्रों पर आप नजर डालें, तो बरसात की हाल फिलहाल में कोई भी संभावना यहां पर नहीं जताई जा रही है। पश्चिम और मध्य भारत का रुख करते हैं। देख सकते हैं पश्चिमी राजस्थान की बात करें, पूर्वी राजस्थान की बात करें, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और कोंकण गोवा की बात करते हैं, तो यहां पर जरूर कहीं कहीं बादल बरस सकते हैं। लेकिन बाकी के क्षेत्रों की अगर हम बात करते हैं, तो यहां पर हाल फिलहाल में बरसात की संभावना नहीं बनी हुई है। तो जाना आपने आगे आने वाले एक से दो दिनों के दौरान देश में कैसा रह सकता है बरसात का हाल। अब पिछले 24 घंटों के दौरान क्या कुछ खास रहा है बता देते हैं आपको। जम्मू कश्मीर, लद्दाख की बात करें, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा, राजधानी दिल्ली, उत्तर प्रदेश के साथ साथ हम राजस्थान की यहां पर बात करें, तो पिछले 24 घंटों के दौरान देख सकते हैं आप यहां पर बादल बरसे हैं। जी हां, बरसात दर्ज की गई है इन क्षेत्रों में। पूरे हम उत्तर पश्चिम भारत के पहाड़ी और मैदानी क्षेत्रों की बात करें, तो यहां पर बादल बरसे हैं पिछले 24 घंटों के दौरान। रुख करते हैं हम पूर्वी पूर्वोत्तर भारत का। देख सकते हैं बिहार, झारखंड, गांगे पश्चिम बंगाल, ओडिशा, उपमाले पश्चिम बंगाल, सिक्किम की बात करें, अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, मणिपुर, नागालैंड, मिजोरम, त्रिपुरा, तो यहां पर भी बरसात दर्ज की गई है पिछले 24 घंटों के दौरान। और वहीं बिहार में दिन काफी ठंडा रहा है। बता दें आपको तटीय आंध्र प्रदेश की बात करें हम, यहां पर तो कोहरा रहा है, थोड़ी बहुत ठंडक यहां पर हम कह सकते हैं रही है। लेकिन अंडमान निकोबार द्वीप समूह में देख सकते हैं आप यहां पर बादल बरसे हैं, बरसात दर्ज की गई है पिछले 24 घंटों के दौरान यहां पर अंडमान निकोबार द्वीप समूह की अगर हम बात करते हैं।
बढ़ते हैं आगे, पश्चिमी मध्य प्रदेश और पूर्वी मध्य प्रदेश की हम बात करते हैं तो यहाँ पर देख सकते हैं आप अच्छी तरह से अंकित किया जा रहा है कि बरसात दर्ज की गई है। वहीं कोंकण गोवा में भी पिछले 24 घंटों के दौरान बादल बरसे हैं। जी हाँ, ये कुछ इलाके हैं जहां पर पिछले 24 घंटों के दौरान बरसात दर्ज की गई है। तो जाना आपने कि पिछले 24 घंटों की बात की जाए तो देश के अलग अलग क्षेत्रों में कहां बादल बरसे हैं, कहां ठंडक महसूस की गई है, दर्ज की गई है, और कहां कोहरा छाया रहा है। तो जान लिया आपने कि बरसात का हाल किस प्रकार रहा है और आगे कैसा रह सकता है। अब बारी आती है तापमान के हाल की, बताएंगे आपको, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद कहीं मजा आइए, देखते रहिए मौसम खबर और बने रहिए दूरदर्शन के साथ पर। अपने अकाउंट से संबंधित लेन देन के बारे में तुरंत अलर्ट पाने के लिए अपने बैंक के पास अपना मोबाइल नंबर और ईमेल रजिस्टर कर दीजिए। अगर आपको किसी ऐसे लेनदेन के बारे में अलर्ट मिलता है जिसे आपने नहीं किया है या फिर अधिकृत नहीं है तो तुरंत अपने बैंक को आप सूचित करें। RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। क्या आप किसी बीमारी से परेशान हैं? चाहते हैं डॉक्टर की सलाह? तो हम हैं आपके साथ, बताएंगे आपको जीने की राह, समस्याएं आपकी, समाधान देश के मशहूर विशेषज्ञों के, घर बैठे बात करें देश के जाने माने डॉक्टरों से। हमारे लाइव प्रोग्राम स्वस्थ किसान में हर शनिवार शाम 6 बजे से 7 बजे तक। ब्रेक के बाद दूरदर्शन किसान के मौसम खबर में आप सभी का फिर से स्वागत है। ब्रेक पर जाने से पहले जाना आपने बरसात का हाल देश के अलग अलग क्षेत्रों में किस प्रकार बना हुआ है और आगे किस तरह की परिस्थितियां रह सकती हैं। अब बारी आती है तापमान का हाल जानने की, तो तापमान के हाल की जानकारी भी हम आप तक पहुंचा देते हैं और यहां पर शुरुआत करेंगे हम न्यूनतम तापमान के हाल से। तो देख सकते हैं आप पंजाब की बात करते हैं तो यहां पर पिछले 24 घंटों के दौरान न्यूनतम तापमान में 5 डिग्री की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। जी हां, 5 डिग्री तक ज्यादा रहा है सामान्य के मुकाबले यहां पर न्यूनतम तापमान। जबकि हम बात करें कच्छ, सौराष्ट्र और गुजरात की तो यहां पर भी ऐसा ही हाल रहा है, न्यूनतम तापमान सामान्य के मुकाबले 5 डिग्री ज्यादा दर्ज किया गया है। इसके साथ ही अगर हम बढ़ते हैं आगे और अन्य क्षेत्रों की बात करते हैं, खासतौर पर हम यहां पर पश्चिमी मध्य प्रदेश और पूर्वी राजस्थान की बात करते हैं तो यहां पर भी परिस्थितियां कुछ बदली नहीं है। यहां पर भी 5 डिग्री ज्यादा ही रहा है न्यूनतम तापमान पिछले 24 घंटों के दौरान सामान्य के मुकाबले, 5 डिग्री की बढ़ोतरी यहां पर दर्ज की जा रही है न्यूनतम तापमान में। वहीं अगर हम बात करते हैं जम्मू कश्मीर और हरियाणा की तो देख सकते हैं आप यहां पर भी न्यूनतम तापमान ज्यादा ही रहा है, 3 से 5 डिग्री सेल्सियस ज्यादा दर्ज किया गया है यहां पर न्यूनतम तापमान सामान्य के मुकाबले पिछले 24 घंटों के दौरान। इसी के साथ बढ़ते हैं आगे और अगर हम बात करते हैं यहां पर हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड की तो देख सकते हैं आप 1 से 3 डिग्री तक की बढ़ोतरी रही है यहां पर न्यूनतम तापमान में सामान्य के मुकाबले पिछले 24 घंटों के दौरान। तो यहां पर भी न्यूनतम तापमान सामान्य के मुकाबले 1 से 3 डिग्री तक ज्यादा ही दर्ज किया गया है। ओडिशा की बात करें तो यहां पर भी ऐसी ही परिस्थितियां रही हैं न्यूनतम तापमान के लिहाज से, 1 से 3 डिग्री तक ज्यादा दर्ज किया गया है यहां पर न्यूनतम तापमान पिछले 24 घंटों के दौरान। और वहीं आपको बता दें कि अगर हम सबसे कम तापमान की बात करते हैं मैदानी क्षेत्रों में तो ये पूर्वी उत्तर प्रदेश के चुर्क में रहा है 6.6 डिग्री सेल्सियस। तो ये मैदानी हिस्सों की हम बात कर रहे हैं कि सबसे कम न्यूनतम तापमान यहां पर दर्ज किया गया है। इसके साथ अगर हम आपको बताते हैं अधिकतम तापमान के हाल के बारे में तो बता दें आपको यहां पर तमिलनाडु, रायलसीमा और पुदुचेरी का हाल तो अधिकतम तापमान यहां पर 3 से 5 डिग्री तक ज्यादा दर्ज किया गया है सामान्य के मुकाबले पिछले 24 घंटों के दौरान। तो यहां पर भी बढ़ोतरी रही है अधिकतम तापमान में पिछले 24 घंटों के दौरान। इसके साथ अगर हम बढ़ते हैं आगे और अन्य क्षेत्रों पर नजर डालते हैं किस तरह का माहौल रहा है अधिकतम तापमान के लिहाज से तो देख सकते हैं मध्य महाराष्ट्र में यहां पर 1 से 3 डिग्री तक ज्यादा दर्ज किया गया है अधिकतम तापमान। जी हां, यहां पर 1 से 3 डिग्री तक ज्यादा रहा है सामान्य के मुकाबले अधिकतम तापमान पिछले 24 घंटों के दौरान। तो ये तो बात हो गई मध्य महाराष्ट्र की। बढ़ते हैं आगे, अगर हम बात करते हैं यहां पर आप देख सकते हैं केरल की, तटीय कर्नाटक की, तटीय आंध्र प्रदेश और तेलंगाना की अगर हम बात करते हैं तो यहां पर भी ऐसा ही हाल रहा है। जी हां, यहां पर भी 1 से 3 डिग्री तक ज्यादा दर्ज किया गया है अधिकतम तापमान सामान्य के मुकाबले पिछले 24 घंटों के दौरान। तो ज्यादा कुछ बदलाव यहां पर नजर नहीं आ रहा है।
देख सकते हैं आप, उप हिमालय पश्चिम बंगाल सिक्किम की हम बात करते हैं तो यहाँ पर परिस्थितियां थोड़ी पलट गई हैं। 3 से 5 डिग्री तक कमी रही है यहाँ पर, जी हाँ, गिरावट देखने को मिली है अधिकतम तापमान में सामान्य के मुकाबले। तो उप हिमालय पश्चिम बंगाल और सिक्किम में थोड़ा बदलाव आया है, कमी आई है यहाँ पर अधिकतम तापमान में। वहीं अगर हम अरुणाचल प्रदेश की बात करें, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा की बात करें तो देख सकते हैं आप यहाँ पर भी कमी ही रही है अधिकतम तापमान में, 1 से 3 डिग्री सेल्सियस कम दर्ज किया गया है यहाँ पर अधिकतम तापमान सामान्य के मुकाबले पिछले 24 घंटों के दौरान। तो पूर्वोत्तर का हाल किस प्रकार बना हुआ है तापमान के लिहाज से आपने जान लिया। बढ़ते हैं आगे और आपको बता दें सबसे ज्यादा तापमान कहां रहा है, ये रहा है रायसीमा के अनंतपुर में 35.7 डिग्री सेल्सियस। जी हां, अधिकतम तापमान सबसे ज्यादा यहीं पर दर्ज किया गया है, रायसीमा के अनंतपुर में। तो जाना आपने देश के अलग अलग क्षेत्रों की हम बात करते हैं तो न्यूनतम और अधिकतम तापमान की जो परिस्थितियां हैं किस प्रकार दर्ज की जा रही हैं। इसी के साथ बढ़ते हैं आगे और अब आपको बता देते हैं कि देश के जो मुख्य शहर है वहां पर तापमान का हाल किस प्रकार दर्ज किया जा रहा है, आइए दिखाते हैं आपको। जाना आपने देश के मुख्य शहरों की हम बात करें तो अधिकतम तापमान और न्यूनतम तापमान की स्थितियां किस प्रकार बनी हुई हैं। तो तापमान का हाल आपने जान लिया, आगे आपको बताएंगे हम वायु गुणवत्ता और पर्यटन पूर्वानुमान के बारे में, लेकिन अभी रुक रहे हैं एक और छोटे से ब्रेक के लिए। कहीं मत जाइए, देखते रहिए मौसम खबर और बने रहिए दूरदर्शन के साथ पर। My journey of insurance and investments began at the same time when I invested in LIC Seed. In this fast-moving world, Seed can balance your funds with security and growth. Seed will take care of the ups and downs of the market and will give you fruitful results so that you enjoy the ride. And when Seed is with you, you can soar high. LIC's unit-linked insurance plan Seed offers savings and protection so that you can soar high in your life. LIC, har pal aapke saath. जानेंगे क्या है किसानों का हाल, हम पहुंचेंगे आपके गांव, मिलेगा सरकारी योजनाओं का ज्ञान, जब लगेगी चौपाल, देखिए चौपाल चर्चा सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 बजे सिर्फ दूरदर्शन किसान पर। खुशहाल होंगे खेत, पशु रहेंगे स्वस्थ, सरकारी स्कीम का होगा लाभ, जब एक्सपर्ट्स का मिलेगा साथ, आपके सवाल विशेषज्ञों के जवाब सिर्फ एक फोन कॉल की दूरी पर। देखिए किसानों का अपना प्रोग्राम हेलो किसान, सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे से सिर्फ दूरदर्शन किसान पर। के बाद दूरदर्शन किसान के मौसम खबर में आप सभी का फिर से स्वागत है। तापमान का हाल अभी तक आपने जान लिया, बारी आती है वायु गुणवत्ता के बारे में जानकारी हासिल करने की। तो अलग अलग क्षेत्रों में किस प्रकार बना हुआ है वायु गुणवत्ता का हाल बताते हैं आपको। राजधानी दिल्ली से शुरुआत कर सकते हैं, 336 गुणवत्ता सूचकांक है जो कि खराब की श्रेणी में यहां पर दर्ज किया जा रहा है। लखनऊ पर आप नजर डालें, 183 बना हुआ है जो कि संतोषजनक की परिस्थिति बनी हुई है यहां पर। इसके साथ ही अगर हम पटना की बात करते हैं, देख सकते हैं 376 बना हुआ है जो कि खराब की श्रेणी में यहां पर दर्ज किया जा रहा है। जी हां, अच्छा नहीं है यहां पर हाल। बेंगलुरु को बात करें तो यहां पर भी संतोषजनक परिस्थितियां बनी हुई हैं, 112 सूचकांक दर्ज किया जा रहा है गुणवत्ता का। वहीं पुणे की बात करें तो यहां पर थोड़ी अच्छी हैं परिस्थितियां, 82 गुणवत्ता सूचकांक दर्ज किया जा रहा है। और इसके साथ ही अगर हम बढ़ते हैं आगे, पुणे के बाद नजर डालते हैं हैदराबाद पर तो यहां पर भी परिस्थितियां संतोषजनक ही हैं। देख सकते हैं आप 123 गुणवत्ता सूचकांक यहां पर दर्ज किया जा रहा है, जबकि कोलकाता में थोड़ी खराब है परिस्थिति, 280 गुणवत्ता सूचकांक दर्ज किया जा रहा है। तो वायु गुणवत्ता का हाल आपने जान लिया। अब बताते हैं आपको पर्यटन पूर्वानुमान के बारे में, और सबसे पहले यहां पर बात करेंगे बिहार के गया की। देख सकते हैं आप आगे आने वाले 2 दिनों के दौरान यहां पर बादल बरसेंगे और मंगलवार को
गरज के साथ तेज हवाएं चल सकती हैं, थोड़ी बहुत बारिश हो सकती है, लेकिन बुधवार को यहां पर कोहरा छाया रहेगा। अधिकतम तापमान 20, 21, 22 तक ही बना हुआ है, जबकि न्यूनतम तापमान 10 से 9 तक पहुंच रहा है। तो शुरुआत में यहां पर बारिश है, आगे बारिश नहीं होगी लेकिन कोहरा जरूर छाया रहेगा। बढ़ते हैं आगे, हिमाचल प्रदेश के हम कुल्लू की बात करते हैं, तो देख सकते हैं आप रविवार और सोमवार को यहां पर हल्की बर्फबारी हो सकती है, बारिश हो सकती है, जबकि मंगलवार और बुधवार को यहां पर बादल छाए रहेंगे। तो ऐसे में आप सतर्क रहिएगा। 12 से 18 पहुंच रहा है अधिकतम तापमान, जबकि न्यूनतम तापमान में यहां गिरावट है, 8 से 4 डिग्री सेल्सियस पहुंच रहा है यहां पर न्यूनतम तापमान। तो ठंड बिल्कुल यहां पर बनी हुई है, ऐसे ही बरकरार रहेगी। बढ़ते हैं आगे, लद्दाख के लेह की बात करते हैं, तो देख सकते हैं आप रविवार को यहां पर बर्फबारी है, सोमवार और यहां पर हम मंगलवार की बात करें, बुधवार की बात करें, तो यहां पर बिल्कुल बादल छाए रह सकते हैं। -13, -15, -16 बना हुआ है, -2 ही न्यूनतम तापमान यहां पर बना हुआ है। तो ठंड यहां पर कड़ाके की पड़ रही है, बर्फबारी की भी संभावनाएं बनी हुई है यहां पर रविवार को, तो ऐसे में सतर्कता जरूर बरतनी है। वहीं हम पंजाब के अमृतसर की बात करते हैं, तो देख सकते हैं आप रविवार और सोमवार को यहां पर जरूर गरज के साथ बादल बरस सकते हैं, जबकि मंगलवार को बादल छाए रहेंगे लेकिन बुधवार को मौसम बिल्कुल साफ बना रहेगा। 13, 14, 15 अधिकतम तापमान बना हुआ है, जबकि न्यूनतम तापमान 8, 7, 6, 5, 1-1 डिग्री की यहां पर गिरावट हम देख रहे हैं। तो यहां पर भी ठंड रहेगी, तापमान में ज्यादा कोई बड़ा बदलाव यहां पर अनुमानित नहीं है। वहीं उत्तर प्रदेश के प्रयागराज की बात करें, तो देख सकते हैं आप रविवार को यहां पर बादल बरस सकते हैं, जबकि सोमवार को यहां पर घना कोहरा छाया रह सकता है। मंगलवार और बुधवार की बात करें तो कोहरा रहेगा, बादल भी यहां पर छाए रह सकते हैं। अधिकतम तापमान में कोई बड़ा बदलाव नहीं है, 16 और 15 के बीच बना हुआ है। न्यूनतम तापमान जरूर कम हो रहा है, 9 से 6 पहुंच रहा है अगले 4 दिनों के दौरान यहां पर न्यूनतम तापमान। तो उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में किस तरह का माहौल रहेगा आपने अभी जान लिया। तो जाना आपने कि देश के अलग अलग क्षेत्रों में अगर हम बात करते हैं तो अगले 4 दिनों के दौरान किस तरह से परिस्थितियां रहेंगी, कहां बारिश होगी, कहां कोहरा छाया रहेगा और अधिकतम और न्यूनतम तापमान का हाल किस प्रकार रहेगा। ये तो बात हो गई मौसम के हाल की, अब बात कर लेते हैं खेती किसानी की। वर्तमान समय में जहां मौसम कहीं कहीं बरसात का है, कहीं बर्फबारी हो रही है, कहीं कोहरा छाया हुआ है, कहीं काफी ठंड है, ऐसे में जरूरी है कि हमारे किसान अपने जो खेती के कार्य हैं उनको भी अच्छी तरह से करें, योजनागत तरीके से करें। तो किस तरह से आप अपनी फसलों की देखभाल कर सकते हैं, किस तरह से प्रबंधन कर सकते हैं जिससे अपनी फसलों की सुरक्षा कर सकें, आगे चलकर अच्छा उत्पादन हासिल कर सकें, आइए इन तमाम जानकारियों के लिए दिखाते हैं आपको हमारी खास रिपोर्ट। बिहार में सरसों के खेत में निराई कर सकते हैं, सरसों के खेत में सिंचाई करते रहें, यहाँ मक्के के खेत में निराई करें, मक्के के खेत में ही जरूरी उर्वरक का इस्तेमाल कर सकते हैं। अभी गेहूं की बुआई करें, गेहूं के खेत में सिंचाई कर लें, किसान काबुली चने की बुआई करते रहें। बिहार में आलू के खेत में निराई कर लें, आलू के खेत में सिंचाई भी करें। इसके अलावा प्याज की बुआई का सही समय है, वहाँ के किसान लहसुन के खेत में निराई कर सकते हैं। लहसुन में कीट लगने की संभावना बनी हुई है, ऐसे में लहसुन में कीटों से बचाव के लिए कीटनाशक का छिड़काव कर लें। झारखंड में प्याज की रुपाई कर लें, किसान गेहूं के खेत में सिंचाई करें, इस समय धान की बुआई करते रहें। धान में कीट लगने का अंदेशा है, ऐसे में धान में कीटों से बचाव के लिए कीटनाशक का प्रयोग कर लें। नई फूल गोभी की खेती के लिए खेत तैयार करें, साथ ही पत्ता गोभी की खेती के लिए खेत तैयार कर सकते हैं। झारखंड में भिंडी की खेती के लिए भी खेत तैयार करते रहें, वहां आलू के खेत में सिंचाई कर लें, इसके अलावा टमाटर की खेती के लिए खेत तैयार करें, टमाटर के खेत में सिंचाई करते रहें। अभी करेले और कद्दू की खेती के लिए खेत तैयार कर सकते हैं, करेले और कद्दू के खेत में सिंचाई के लिए समय उपयुक्त है। तो अभी आपने रिपोर्ट के जरिए जाना कि जो फसलें आपके खेतों में लगी हुई हैं किस तरह से आपको उनके लिए प्रबंधन कार्य करने हैं, और कई फसलें ऐसी हैं जिनकी बुआई और रोपाई के लिए समय बिल्कुल अनुकूल चल रहा है, उसके लिए आपको खेत अच्छी तरह से तैयार करना है, अपने क्षेत्र के अनुसार ही उन्नत किस्मों का चयन करना है, तभी तो आगे चलकर अच्छा उत्पादन आप हासिल कर पाएंगे। तो ये तो बात हो गई कृषि कार्यों की, इस समय आपको किस तरह के कृषि कार्य अपने खेतों में करने हैं। अब बढ़ते हैं आगे और अब आपको बताते हैं कि ये जो मौसम है बेबी कॉर्न की खेती के लिए भी बिल्कुल सही बना हुआ है। बेबी कॉर्न की खेती आपके लिए फायदेमंद साबित हो सकती है क्योंकि इसकी मांग लगातार बनी रहती है, काफी अच्छी बनी रहती है, जिससे इसके दाम भी अच्छे मिलते हैं। अगर आप अच्छी उपज यहां पर हासिल करते हैं तो आपको दाम भी अच्छे मिल सकते हैं। किस तरह से आपको अच्छी उपज हासिल करनी है बेबी कॉर्न की, आइए दिखाते हैं आपको।
बेबी कॉर्न मक्का की कोई किस्म नहीं है, बल्कि वो अवस्था है जब भुट्टे में दाने बनने वाले हो या बनने शुरू हुए हो। इसका इस्तेमाल सलाद के साथ साथ सब्जी, खीर और हलवे में भी होता है। भारत में इसकी खेती मुख्य रूप से शहरों से सटे इलाकों में होती है। ये काफी पोषक है और शायद यही बढ़ती हुई मांग की वजह है। इसके खेत की तैयारी आम मक्का की तरह ही होती है और इसे दो तरह से उगाया जाता है। आदर्श अवस्था में एक हेक्टेयर में 58,000 पौधे लगाए जाते हैं। इस पद्धति में स्वीट और बेबी कॉर्न दोनों ही प्राप्त होते हैं। दूसरी पद्धति में एक हेक्टेयर जमीन पर पौधों की संख्या 2.25 लाख के करीब होती है। इसमें तमाम भुट्टे बेबी कॉर्न के रूप में इस्तेमाल किए जाते हैं। बेबी कॉर्न के लिए एक हेक्टेयर जमीन पर 20 से 25 किलोग्राम बीज की जरूरत होती है। एक हेक्टेयर के लिए 1.5 से 2 क्विंटल नाइट्रोजन 3 बार में डालना होता है। इसकी फसल अमूमन 50 से 60 दिन में तैयार हो जाती है। तुड़ाई पर खास ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि भुट्टा बहुत तेजी से बढ़ता है, इसलिए इसे जितना जल्दी हो सके बाजार भेज देना चाहिए। सुबह का समय तुड़ाई के लिए उपयुक्त है। पौधों में बाल यानी झंडा निकलते ही तोड़ दें और 3 दिन में एक बार तुड़ाई कर लेनी चाहिए। इस तरह एक फसल के लिए औसतन 7 से 8 तुड़ाई पर्याप्त होती है। एक हेक्टेयर में 15 से 19 क्विंटल तक बेबी कॉर्न हो सकते हैं। भुट्टे तोड़ने के बाद पौधों को हरे चारे के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है या इसे बेचकर अतिरिक्त आमदनी प्राप्त की जा सकती है। एक हेक्टेयर से किसान को 250 से 400 क्विंटल तक हरा चारा मिल सकता है। दिल्ली के आसपास के इलाकों में किसानों ने बेबी कॉर्न प्रसंस्करण के संयंत्र भी लगाए हैं। प्रसंस्करण के बाद बेबी कॉर्न के दाम भी अच्छे मिलते हैं और इसे लंबे समय तक भंडार करके रखा भी जा सकता है। तो बेबी कॉर्न की खेती से जुड़ी हर छोटी से बड़ी बात अभी आपने रिपोर्ट के जरिए जान ली। इन तमाम बातों को ध्यान में रखते हुए आप इसकी खेती करेंगे तो निश्चित तौर पर अच्छी उपज आपको मिलेगी, अच्छे दाम आप इसके अर्जित कर पाएंगे। तो ये तो बात हो गई खेती किसानी और साथ ही साथ मौसम के हाल की। इसी के साथ बता दें आपको आज के मौसम खबर में बस इतना ही, लेकिन चलते चलते एक विशेष जानकारी आप तक जरूर पहुंचा दें कि आप मौसम का हाल जान सकते हैं हमारे यूट्यूब चैनल के जरिए भी। टीवी स्क्रीन पर एक QR कोड अभी आपको दिखाया जा रहा है, इसे आप स्कैन कीजिए, सीधा आप पहुंच जाएंगे हमारे YouTube चैनल पर। जान सकते हैं आप देश के अलग अलग क्षेत्रों के मौसम के हाल के बारे में मौसम खबर के साथ। तो इसी के साथ हमें दीजिए इजाजत, आप बने रहिए दूरदर्शन के साथ पर। नमस्कार।